بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ਕਿਬਰਿਆਈ ਬੜਾਈ ਅਕਤਾਈ ਤਨਹਾਈ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਲਾ ਤਦਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਖਤੀਬ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀਓ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਇੱਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਤੋ ਇੱਕ ਇਫਤਤਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਖਸੂਸਨ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਕੀਮ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਲੂਮ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਬੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰਫ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ
एक हरफ केड़ा अलीफ। कुरान पाक का एक हरफ पढ़ लिया ना, इतने बच्चा पढ़ता कुरान मजीद और पहली तख्ती पढ़ता अलीफ। कारी साहब पढ़ा देने ते कारी साहब को भी अजर ते बच्चों को भी अजर। ये किड़िया कुरान दिया बरकतां ने ये रब ने सानू माफ करन दे बहाने बनाए। और जिस तरह इंसान का वजूद अल्लाह ने ये मिट्टी जो बनाया है ना, और इनू खुराक ना मिले बंदा मुर्दा हो जाता है। और इस तरह ही इंसान की रूह अल्लाह ने आसमान तो उतारी है और एदी गजा भी अल्लाह ने आसमान तो कुराने मजीद नाजिल फरमाया। अल्लाह तो देखना एक कुरान की अजमत किन्नी है। अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर ही इरशाद फरमाया, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद मेरे नाल चलते रहना, कंजूसी ना करना मुहम्मद, मुंह मिठे कर दे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने अपने महबूब ते कुरान नाज़िल फरमाया ते कुरान दी अजमत इस अंदाज दे नाल बयान फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल किते अल्लाह फरमाते ने हामीम वल किताबुल मुबीन, किते अल्लाह फरमाते ने अलिफ लाम राम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून। अल्लाह फरमाते ने ये जेड़ा कुरान असी नाजल किया है ये आयतां किताबे मुबीन दियां ने, ये आयतां कुराने हकीम दियां ने, ये आयतां वादे किताब दियां ने, ये आयतां अल्लाह दी कलाम दियां ने। अगे सुनो, इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन, अल्लाह फरमाते ने असां कुरान नू अरबी दे अंदर नाजल किया है। अल्लाह चाहते जे कुरान नू पंजाबी च नाजल कर सकते सी, अल्लाह चाहते कुरान उर्दू च नाजल कर सकते सी, अल्लाह चाहते कुरान अबरानी ते फारसी च नाजल कर सकते सी। अल्लाह फरमाते ने इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन, असी कुरान अरबी दे अंदर इस करके नाजल किया है कि मेरा मुहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी अरबी है, ए मक्के वाले भी अरबी ने। अल्लाह फरमाते ने इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन, कल मेरे नबी ने इन्ना मक्के वालों के अंदर ये कुरान पेश करना है, इन्ना मक्के वालों नूं ये कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना है। ये मक्के वाले अल्लाह दे ने, ये मक्के दे लोग बड़े करख्त सन, बड़े पत्थर दिड़ सन, अल्लाह जे पंजाबी च नाजल कर दें दे, उर्दू च नाजल कर दें दे, ये मक्के वाले यही ना कह दें असी अरबी हाँ कुरान पंजाबी च, असी फारसी हाँ असी अरबी हाँ कुरान फारसी च, असी जनाब अरबी हाँ कुरान अबरानी च। अल्लाह आंदे ने इन्हां दा त्राज ही मुक जाए, ये कुरान पढ़ भी लैन ते सुन भी लैन ते मेरे मुस्तफा दी बोली नूं ही समझ सकन। ये कुरान अल्लाह ने अरबी च नाजल किया, वैसे तो अल्लाह हर बोली समझदा है ना, अल्लाह नूं जिस मर्जी बोली च पुकारो उन्हूं अरबी च बुलाओ उन्हूं वो कहंदे ने ना, कोई फटान सी ते वो काबतुल्लाह दा हज करन चला गया, अल्लाह सानू भी मौके अता फरमाए। अल्लाह हज करन गया ते उत्थे ना काबतुल्लाह दा तवाफ किया ते दुआवां करन लग पिया, ते दुआ पता की करदा आंदा, अल्लाह मैं अपना घर छड्या, इन्ना पैसा खर्चा किया, बच्चे छड़ के आया, लांबे लांबे सफर किया, अल्लाह अब तो तुझे माफ करना ही पड़ेगी, अब तो तुझे माफ करना ही पड़ेगी। ओए ओनू पंजाबी च बुलाओ, ओनू उर्दू च बुलाओ, ओनू फारसी च बुलाओ, ओनू अल्लाह ने मैं तेरिया सारिया बोलियां ही समझ,
अल्लाह समझदा है ना। अल्लाह आंदा ना मैं तेरिया नहीं हैवाना दियां भी समझना वा, तेरिया नहीं मैं जानवरां दियां भी। ओ मालिक ही कहदा है जिन्हों अपनी मखलूक का पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह पाक ने यह कुरान जेड़ा बनाया इंसान बनाया मिट्टी चो बनाया इंसान का वजूद मिट्टी चो बनाया। कुरान सुन लें अल्लाह पाक फरमाते ने वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीन। कुरान का दूजा मुकाम सुन लें फरमाया याम अयो हल इंसान मागर रकाम बेरबे कल करीम किते अल्लाह फरमांदे ने हल अताम अलल इंसान इनु मिन दहर लम यकुन शैयम मजकूरा इन्ना खलकना इंसान मिन नुतफतिन अमशाजन नब्तलिये फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्हां सारियां आयतां दा लुबे लुबाब अल्लाह फरमांदे ने असा इंसान बनाया ते मिट्टी चो बनाया एदियां अखां रब ने बनाईयां एदी पछानी रब ने बनाई जिवें अल्लाह ने इंसान बनाया एदी पछानी बनाई है ते अल्लाह अगे झुकदी सोहणी लगदी है एदियां अखां कुरान दियां आयतां तिलावत करदियां सोहणियां लगदियां ने एदा दिमाग कुरान दा इलम सिखदा सोहणा लगदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे भाई जे तैनूं इत्थे भी यकीन नहीं आंदा एक अख खराब हो जाए तो किसी नबी ते वली दी दुकान चो नहीं मिलती एक लत खराब हो जाए कोई नबी कोई अल्लाह दा प्यारा लत नहीं बना सकदा। ये सारा अख्तियार मेरे अल्लाह को ही है जे फिर तैनूं इत्थे भी यकीन नहीं आंदा ते मुर्गी दा आंडा अल्लाह पाक ने आंडे दे अंदर बंद कर दिता है ते उस बंद कमरे च बंद आंडे दे अंदर चूजे नूं खुराकां कौन पेश करदा ये अल्लाह ही कर रहा ना। फिर मैं तो हाँ जौक से शौक पूरा करता जावा ये चूजा बन गया है ये आंदा होएगा अल्लाह हुण मैं बाहर आवा तो किवें आवा। अल्लाह फरमांदे ने चूजिया बाहर आ जा ये आंदा अल्लाह कंधा ने दीवारा होईयां पईयां ने बारी कोई नहीं अल्लाह किवें आवा। अल्लाह फरमांदे ने चूजिया तू की चाहना है आंदा थोड़ी भी कोई नहीं छैनी भी कोई नहीं ये किवें कंधा टावा। अल्लाह आंदे ने चूजिया वल तैनूं मैं दस देना आ निकी जी चुंज ये छैनीए इहदे नाल ठोंगे मारदा जा तेरिया दीवारां टुट जाणगियां अपनी अम्मा कोल आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह फिर मैं कहना चाहना वा ओ किन्ने वल दसिया किन्ने सिखाया आंडे चो चूजा किवें बार आया भूआ बारी बंद कितों खांदा सी ओ मिर्चां दी कड़तन फुलां दी खुशबू और जिन्हें जिन्हें खाइए ते आंदा है जलवा लाओ केले दा छिलड़ ते खाओ ताजा हलवा। दिल करदा जो कि नहीं मिल जाएगा। फरमांदे ने मिठा किन्ने पाया है लाओ हटो चांदी कड़तन फुलां दी खुशबू। फरमांदे ने गंदा भी नहीं होना ते बो भी नहीं आनी वेखो कड़ा परिया मतीर दा पानी लाल जया गुदा ते सोनी जी शो मिर्चां दी कड़तन फुलां दी खुशबू। ओ कोई छोटे अकीदे वाला कमजोर अकीदे वाला कहन लगा एडा वड्डा दुआना ए रब नूं अंब डिके जाने तू उच्चे वड्डे दरखत ते ला छड्डे ने ते ए दुआना निकी जी वल नूं ला दित्ता इहनूं उत्ते लगना चाहीदा सी क्योंकि दरख्त वड्डा ते फल वी वड्डा होना चाहीदा ते अल्लाह फिर समझा देंदा। ओ जनाब दुपहर होई ते ओ अंब दे थल्ले पै गया उत्तों अंब डिगया ना ते नासा च ठुकया यांदा अरशा वालिया तू सच्चा है तू ठीक जोड़िया तू ठीक फल लाए ने जे इत्थे दुआना हुंदा ते मेरे पल्ले कुछ है बचनी सी
ये रब दियां कुदरतां ने। मैं दसना चाहना वा इंसान दी अल्लाह पाक ने मिट्टी चो वजूद बनाया, एदी खुराक दा इंतजाम अल्लाह ने मिट्टी चो ही पैदा किया। और मेरे भाई जड़ी रूह है ये गजा, ये रूह आसमान तो नाजल की है, ते एदी गजा भी अल्लाह ने आसमान तो नाजल की है। वो की है कुरान है, रूह दी गजा कुरान, रूह दी गजा नबी पाक दा फरमान। आओ लोगो अल्लाह पाक दे कुरान दी तालीम सीखो, अल्लाह पाक दा कुरान अपने बच्चों पढ़ाओगे, अपने बच्चों नू कुरान दी तालीम सिखाओगे। इत्थे बड़ियां बड़ियां अकैडमियां निकल गई ने, इंग्लिश मीडियम साइंस जनाब बड़े बड़े जनाब स्कूल दे डिग्रियां आ गई ने। इत्थे बच्चों नू दुनिया के बड़े बड़े हुनर सिखाना। तवज्जो मेरे वल दर, कोई आ रहा कोई जा रहा, तुसीं ध्यान मेरे वल रखो ना। ये जनाब बड़िया बड़िया डिग्रियां चल पईयां ने, लेकिन मेरे भाई कुरान तो वड्डी डिग्री कोई नहीं, नबी पाक दे फरमान तो वड्डी डिग्री कोई नहीं। जेड़ा कुरान पढ़ लैंदा है, हदीस पढ़ लैंदा है, कुरान दा इलम सीख जांदा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, तू कॉलेज पढ़ाए ने, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, साइंस पढ़ाई है, लखां ला दित्ते ने, कख नहीं मिलिया। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, इन्हां बच्चों नूं इस मरकज़ दियां झूठियां सफ़ां ते आके कुरान मजीद दी तालीम दे दे, इन्हां बच्चों नूं कुरान वास्ते वक्फ कर दे। अल्लाह दो जलाल दी कसमें, कबर च जाएगा ए बच्चे, कबर ते तू कबर च होएगा, ते ए इत्थे टुटियां सफा ते नमाज पढ़ के गाएंगे रब्बे गफरली वाले वाले दैया। अल्लाह मेरे मापियों नू माफ कर दे, अल्लाह मेरे मापियों नू माफ कर दे। जे जानना है इमाम राजी ने तफसीर कबीर च एक बड़ा वाकया लिखा कि जनाब ईसा अलैहि सलाम ना सफर से जा रहे ने, ते कब्रस्तान दे कोलों गुजर होया, ते एक कब्र वाले नू मार पै रही। ईसा अलैहि सलाम कोले भी मौजज़ा सी कि मुर्दे भी जिंदा कर लेंदे। उन्हां नू पता लग गया कब्र च एक बंदे नू मार पै रही और अग दी बनी है, ते कहन लगे या अल्लाह ये की मामला। ते जदों अल्लाह फरमांदे ने ईसा जदों अगे जा वापस आएगा फिर दसांगा। जनाब ईसा अलैहि सलाम वापस आए ते ओ कब्र जड़ी नार सी गुलजार बनी पी, गुलजार बनी पी है, ते कहन लगे या अल्लाह एक ही गल मैनू मामला समझ अंदर नहीं आया। अगे अग सी हुण गुलजार, हुण इहनू जनाब कबर दे अंदर सुकून ने। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे नबी ईसा एक बंदा जदों फौत होया ए बड़ा गुनाहगार सी, बड़ा पापी सी, लेकिन अल्लाह पाक ने अल्लाह फरमांदे ने मैं इहदे घर बच्चा पैदा कीता है, इहदी बीवी नू बच्चा पैदा होया और वह बच्चा बड़ा होया चलन फिरन वाला होया, ते मस्जिद च जाके तोतली जबान दे नाल उन्हें पढ़िया बिस्मिल्ला। ये बच्चे ने मस्जिद च बिस्मिल्ला पढ़ी है, ओदी वजह तो अल्लाह फरमाते ने मैं बच्चे दे बाप की कबर ठंडी कर दिती है। मेरे भाई जे चाहना है कबर च सुकून मिल जाए, आ जा अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे, अपने बच्चों को कुरान सिखा दे। अल्लाह अकबर अल्लाह, ये कुरान बड़िया बड़िया की काया पलट देता है, ये कुरान बड़िया बड़िया डाकुआ मुहाफत बना देता है। आवेख ये कुरान अल्लाह फरमाते ने लौ अंजलना हाज़ल कुरान आलाम जाबालिल्ला रायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ए कुरान अल्लाह दे ने असी पहाड़ा ते नाजल कर देंदे, पहाड़ रेदा रेदा हो जाते, लेकिन बंदिया तेरे को 30 पारे ने, ते जनाब ये कुरान तेरे ते असर क्यों नहीं करता। रोजाना सुनना है, रोजाना पढ़ना है, ते ये तेरे ते असर क्यों नहीं करता। मेरे भाई कुरान पढ़िया कर, इन्हों बच्चों को नहीं पढ़ाया कर। वो किड्डे खुशकिस्मत मापे ने जिन्हों के बच्चे कुरान की तलीम सीखते हैं। अल्लाह के नबी फर
फरमाते ने एक बच्चा घरों चलिया आके कुरान की तलीम सीखता है दीन का इलम सीखता है आमना दलाल फरमाते ने अजे घरों चलिया ही है जिन्ना राह तो आया जिन्ना दरख्तों तो गुजर के आया जिन्ना पहाड़ों तो गुजर के आया जिन्ना दरियावान तो चल के आया जिन्ना समुद्रा के कोलों गुजर के आया जगह के पीर फरमाते ने वो कुरान का तालब इलम जदों घरों निकलता है ये वास्ते समुद्रा च मछलियाँ दरख्तों के पत्ते पहाड़ों के तोते पहाड़ों के जर्रात और अल्लाह पाक दे नूरानी फरिश्ते कुरान दे दीन दे तालबे वास्ते बख्शिश ते रहमत दियां दुआवां करदे पैने ये कुरान दी शान को काटे कुरान पढ़ने वाले का मुकाम थोड़ा अल्लाह जानता फरिश्ते दुआवां कर रहे हैं और ये यकीन जानो दुनियादार कारोबारी बेनमाज और कुरान तो दूरी अख्तियार करने वाला ओदे वाल रब दे फरिश्ते थोकदे भी नहीं ओदे वाल रब दे फरिश्ते वेंदे भी नहीं ये किनू लभदे ने अल्लाह दे फरिश्ते कुरान दी मजलिस वालियां नू लभदे ने कुरान पढ़ने वालियां नू लभदे ने कुरान दी महफिल अटेंड करने वालियां नू लभदे ने और उन्हां वास्ते बख्शिश दीआं दुआवां करदे ये अल्लाह ने अजमत बनाई है अल्लाह ने बहाना बनाया कि मैं अपने बंदियां नू माफ करां अल्लाह फरिश्ते दुआवां कर रहे हैं किते दुनियादार वास्ते भी सुनिया दे अल्लाह ने फरिश्तियां दियां ड्यूटियां ला दित्तियां ने ए मेरे फरिश्तियो ए जेड़े बंदे कुरान पढ़ते पै ने जेड़े कुरान दा इलम सीखते पै ने इन्हां वास्ते बख्शे दियां दुआवां करो मेरे भाई बुखारी दी हदीस सुन लै जगां दे पीर रब दे हबीब दे कोले आप दी बीवी अम्मा जी ममूना रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दा निकाह होया ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला 6 साल दी उम्र ते आंदनी खाला जी हजरत ममूना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी खाला लगती है आंदन खाला जी जदों अल्लाह दे नबी तुहाडे कोले आउं ते मैनूं दसना मैं उह रात तुहाडे कोले गुजारनी है मैं नबी पाक नूं वेखणा है अल्लाह दे नबी तहज्जुद किवें पढ़दे ने निके निके बच्चों मेरे नबी दी नमाज वेखण दा शौक है 6-6 साल दे बच्चों मेरे नबी दे कुरान पढ़ने दा वेखण दा शौक है ये अज भी साढ़े बच्चों कुरान दा शौक आ जाए अज भी इन्हां बच्चों कुरान दी मुहब्बत आ जाए अल्लाह दुल जलाल दी कसम जगां दे पीर फरमांदे ने जेड़ा बंदा जेड़ी बीबी जेड़ा बच्चा रात नूं सौण लग्या सूरह मुल्क दियां 30 आयतां पढ़ के हो जाता है ए 30 आयतां सूरह मुल्क अल्लाह की अदालत जाके झगड़ा करेगी अल्लाह की अदालत जाके लड़ाई करेगी अल्लाह जिन्होंने रात को मैनू पढ़िया है अल्लाह उन्होंने जन्नत अता फरमा देगी ये सूरह मुल्क सिफारशां करेगी भैणा भरावां ने मापिया ने और रिश्तेदारों ने नठ जाना और वो ते नेकियां लभणगे ते जेड़े कुरान पढ़ते ने सिफारिश करेगी कुरान सिफारशी बन जाएगा दुआ करो अल्लाह कुरान किस्मत फरमा दे और जिदे कोल कुरान हदीस होवे ओदी किस्मत दी की रीस होवे और जिदे कोल कुरान हदीस होवे ओदी किस्मत दी की रीस होवे ओ तेरी कनज कदूरी नू की समझे ओ तेरिया ससियां ते हीरां की जावे ओ जिदे कोल मुसलम बुखारी ओदे कोल ते दौलत सारी बड़े ठंडे जे ध्यान तोड़ा बाहर हुंदा इधर वेखो जिदे कोले कुरान है जिदे कोले हदीस है ओदे कोले दुनिया दियां दौलतां ने और जिदे कोल मुस्लिम बुखारी है ओदे कोल ते दौलत सारी है ओ तेरी कनज कदूरी नू की समझे ते शराब काया नू की जाने जिदे कोल कुरान मजीद होवे हदीस दीवी तई दोवे शमसान नदान दान मालक हो मुशरक शरीरन की जाने
आओ मेरे भाई अल्लाह दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने वल नज़लो मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल मोमिनी। ये कुरान अल्लाह ने मोमना वास्ते शफा बनाया है, मोमना वास्ते ये कुरान शफा बनाया है। मेरे भाई कुरान ये वंगार के पढ़ना छोड़ दो, ये साडा बस एहो ही ज़हन है। चार बंदे वंगार ला ते पढ़ लिया, दो बंदे बुला ला ते तलावत कर ली, ते आप ना कीती। भाईओ आप भी पढ़िया करो, आप तलावत करिया करो। जदों आप पढ़ोगे एक एक हरफों दा दाम नेकियां मिलदियां हुंदियां दूर जो जो सियाईयां दिल दियां ते जन्नत दियां हूरां तैनू वेख वेख ने खिलदियां मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाईया। अल्लाह ने कुरान तैनू दे दिता है, तेरी किस्मत बड़ी आला है। आ एक दो बातें सुना के अपनी बात नू खत्म करां। जिन्ना मापियां नू शौक है ओ ते मसले ते अपनी औलादा वास्ते दुआवां करदे ने। आओ मैं मैनू याद आया हजरत इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। इधरों रमजान का चन्न चढ़ पैंदा है, इधरों माँ जिहड़ी है मस्जिद दे खादम कहिंदी है वे मस्जिद दे खादमा ऐदकां सा मसीते तरावियां किन्ने पढ़ाउणियां ने, ऐदकां साडी मसीते कुरान किन्ने सुनाउणा है। ते मस्जिद दा खादम कहिंदा है नी अम्मा जिन्हें कुरान पढ़ना है ओहदा नां कारी इब्राहिम है। ते मां दी अल्लाह कदी मेरा भी पुत्र इब्राहिम कुरान सुनावेगा कि मां दी अल्लाह ठंडा हाका पर दी है। आंदी अल्लाह कदी मेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा। अल्लाह दे अल्लाह 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 ने अपनी बंदी दी दुआ सुन ली। इब्राहिम मीर सियालकोटी आंदे ने नी अम्मा दुआ तू कर दे पढ़ना मैं शुरू कर देना। ये मावं किड़ियां किस्मत वालियां ने जड़ियां आंदियां ने, कई मावं ऐसी आंदियां ने अल्लाह मेरा पुत्र पटवारी लग जाए मीटर कलर्क लग जाए सिपाही लग जाए फौजी लग जाए, पर उन्हां मावं दी अज़मत दे क्या कहने। जड़ियां कहंदियां अल्लाह मेरे पुत्र नूं हाफ़िज़े कुरान बना दे, अल्लाह मेरे बेटे नूं कारीए कुरान बना दे। मां इब्राहिम दी मसला डाल लैंदी है, इधरों दुआवां करनियां शुरू कर देंदी है। उधरों इब्राहिम सियालकोटी कुरान पढ़ना शुरू कर देंदे ने, उधरों 30 रोजे मुकम्मल हो जांदे ने, उधरों रब दा कुरान ही हिफज हो जांदा है। इधरों लोगों नू ईद दा चाहे मां नू ईद दा भी चाहे ते पुत्र दे हाफज होण दा भी चाहे। वो किड़ियां किस्मत वालियां मावां ने मेरे भाई इन्हां बच्चों नू कुरान सिखाओ। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा हाफज कुरान दे मापे अल्लाह पाक उन्हां दे सिरां ते नूरानी ताज पहना देवेगा। लोग पुछणगे एडियां शानां तुहानू क्यों मिलियां ने, एडे मुकाम क्यों मिले ने। आवाज आएगी ए ओ लोग ने जिन्होंने अपनी औलादा नूं कुरान पढ़ा दिता है, ए ओ लोग ने जिन्हां दी औलादा कुरान सिख गई ने। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे भाई गौर ते कर इन्हां बच्चियां नूं कुरान पढ़ा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने एक हाफिज़े कुरान 10 बंदियां नूं जिन्हां दे चलान जहन्नम वाले मुकम्मल हो चुके ने। हाफिज़े कुरान तौहीद वालियां नूं है गुनहगार ने लेकिन शिरक नहीं कीता उन्हां दी सिफारिश करके ते जन्नत नूं लै जावेगा। 10 बंदियां दी सिफारिश हाफिज़े कुरान करेगा और इन्हां बच्चियां जिहड़ा हाफिज़े कुरान है ओदा की मुकाम है। जिन्हें कुरान पढ़िया है कारोबार नहीं किया, कारोबार चलो करता भी है लेकिन कुरान याद भी करता है, कुरान ते अमल भी करता है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने कयामत दा दिन होएगा ये हाफ़िज़े कुरान नू अल्लाह फरमाएंगे ओए हाफ़िज़े कुरान जिन्हें दुनिया ते कुरान पढ़दा सी अज उवें मैनू भी पढ़ के सुनाना शुरू कर दे। जिमें दुनिया ते कुरान पढ़दा सें अलहमदो तो शुरू हो जा हाफ़िज़े कुरान उठे कुरान पढ़ना शुरू कर देगा। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान।
रहमान रहीम मालिक यौम الدين इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। अल्लाह फरमांगे हाफिज़े कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा, पढ़दा जा नाले जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा, ते जिथे वनास दी सीढ़ होएगी जिथों पढ़ना शुरू कीता ई ते जिथे मुकम्मल कीता ई इन्नी जगह अल्लाह फरमांदे ने मैं तेरे नामे ला छड़िए। इस वास्ते मेरे भाई ए कुरान नाल मुहब्बत करया करो, कुरान नाल प्यार करया करो, कईयां नूं जन्नत दे अंदर बड़े बड़े आला दर्जे मिलणगे। आखरी बात सुन लो, बड़े बड़े उच्चे मुकाम मिलणगे, ते कई जनती कहणगे या अल्लाह इन्हां नूं बड़े उच्चे मुकाम दित्ते ई, बड़े आला दर्जे दे छड्डे ई, अल्लाह वड्डा की ऐ। अल्लाह फरमाणगे ओए मेरे जनती नवाबा है ते तू भी जनती ऐ, पर मेरा ए बंदा तू ते सारी रात सुता रहिंदा सी, रात नूं उठ के अद्धी रात कुरान पढ़ के ते मेरे नाल गल्लां कीता करदा सी। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिहड़ा कुरान पढ़दा है ओह इवें ही है जिवें रब नाल गल्लां करदा है। ते यकीन जानो रात दा कुरान पढ़न दे मजे वख्खरे, रात दी तरीकी च बंदा कल्ला होवे ते घर च मसला डाल है ते कोई मुल पैसे लगदे ने रब नाल गल करनी, आखिर आ दुनियादारी ते रिश्तेदारां नाल जाके गल्लां करे ते किराए लाने ते फोन ते गल करिए ते चार आने लग जांदे, ते रब नाल कोई पैसा नहीं लगता बल्कि अल्लाह देंदे। ते उस वक्त जेड़ा मजा आंदा रात दी तरीकी कुरान पढ़न दा, अल्लाह अकबर अल्लाह, अद्धी रात ते कुरान दियां तिलावतां कर रहा होवे ते रब दे सामने हाथ बन के ते कैदी बने होवे। सैयद मीर लिखदे ने ओ वावा लज्जती रात खलोन दी हाथ बन के कैदी होने दी, ओ वावा लज्जती रात क्याम अंदर वावा कोटनी पाक कलाम अंदर, ओ नशे बावानी ओ नशे बावानी इस जाम अंदर साकी देख प्यास बजान नू रब्बा दे दीदार दीवान नू कत खैर मलंग मस्तान नू तिकते फमंदन ओ छड़ मंजी नींद ना प्यारी कर उठ सजा मसल्ला सवारी कर विच सजदे दे रो रो जारी कर ओदा रो रो तख्त हला दे तू। उंज दुनिया वास्ते भुखा मरे तरोन लग पैना, चोरी हो जाए तरोन लग पैना, डाका मारिया जाए ते रोन लग पैना, तेरे नाल लड़ाई हो जाए ते रोन लग पैना, दुनियादारी दे मामले च तेनू मारा पै जान रोन लग पैना, कदी रब दे सामने भी रो लिया कर। फरमांदे ने ओ जेड़ी अख जग रात घटदी नहीं विच सजदे दे अथरू सटदी नहीं, जितों रोकी जाए उतों हटदी नहीं, तत्ता सरबल उस विच ला दे तू। गल मुक चली जे ओ जेड़ा रब दे जिक्रों कोराए भावें ढिड वड्डा रंग गोराए ओनू समझी ओ गंद दाम बोराए चेहरा ना दिल परमा दे तू। बड़े ठंडे जे अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह पाक इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए ते इन्हां बुजुर्गों वास्ते और साढ़े वास्ते जरिया निजात बनाए और इस मरकज के अंदर सानू अपने बच्चे दाखिल करवा के ते कुरान की तलीम सिखाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा करे ऐसी जुबान हमारे मुँह में अता ना करे। ये थे वाइदेशी बयान हज़रत मौलाना
कारी मोहम्मद इमरान शाकिर साहेब, जो के कुरान की बरखा से हमारे चेहरों को, हमारे सीनों को नूर से मुनव्वर कर रहे थे, और कुरान की अजमत, कुरान की फजीलत हम लोगों को बतला रहे थे,